हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी होने वाली है। और स्टोरी किसके बारे में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्यूटीफुल मरमेड। मरमेड क्या होता है? मत्स्य कन्या होती है, मछली जो होती है उन्हीं की कन्या उसको बोला जाता है मरमेड। ठीक है, तो मत्स्य कन्या है, फिश जो होती है मछली उसी से रिलेटेड है। वेरी लॉन्ग टाइम एगो, तो काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। अ क्यूट एंड ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर सी, क्यूट मीन्स होती है बहुत सुंदर, और इसके अलावा जो ब्यूटीफुल जो थी मरमेड थी लिव्ड, और वो रहती थी, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है, तो वो रहती थी कहाँ? लिव्ड इन ए बिग किंगडम, एक बड़े से किंगडम में, किंगडम होता है राज्य, वहाँ पर रहती थी। अंडर द सी, कहाँ? समुद्र के नीचे, एक बहुत बड़ा सा जो साम्राज्य था उसमें रहती थी। सी मिस वह, जो मरमेड जो थी, मत्स्य कन्या जो थी, बाज एक्सट्रीमली, अत्यधिक सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सी विज्ड टू बिकम अ प्रिंसेस, सी मिस उसकी विज्ड मिस इच्छा थी, विश मिस इच्छा करना होता है, टू बिकम मिस होने की, बनने की, अ प्रिंसेस एक राजकुमारी, एंड लिव इन ए ह्यूज, और लिव मीन्स वो रहना चाहती थी इन ए ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता बहुत विशाल, एंड ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर से पैलेस मीन्स महल में, ऑन लैंड है ना जो जमीन है उस पर। तो वो समुद्र से बाहर रहना चाहती थी किसी लैंड पर, और वो चाहती थी कि वो एक राजकुमारी बने, है ना, तो ये उसकी डिजायर थी, इच्छा थी। आगे बात करें तो देखेंगे क्या उसकी इच्छा पूरी हो पाती कि नहीं, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, सी सॉ, उसने देखा, सॉ सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, देखना, अ सिप, उसने क्या देखा, एक सिप देखा, सेलिंग इन द सी, जो कि कहाँ चल रहा था, जो कि सेल हो रहा था, आगे बढ़ रहा था समुद्र में ही। इट वॉज वेरी बिग, इट मीन्स यह जो सिप जो था बाज वेरी बिग, बहुत बड़ा था, इट सीम्ड, और ये जो सिप जो था समुद्र में जो जहाज चल रहा था, सीम्ड वो प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, जस्ट एज अ रॉयल सिप, ऐसा लग रहा था जैसे ये जो जहाज हो कोई राज घराने का, कोई रॉयल शाही सिप हो, कोई शाही जहाज हो। एज द ब्यूटीफुल मरमेड केम क्लोजर, एज मीन जैसे ही, द ब्यूटीफुल मीन सुंदर सी, मरमेड मत्स्य कन्या जो थी, केम मीन्स आई, कम की सेकेंड फॉर्म में केम, क्लोजर, क्लोजर में समीप आना, जैसे ही वो करीब आई, टू द सिप, कहाँ पर, जहाज के निकट जैसे ही वो पहुंची, सी सॉ, उसने देखा, जो जहाज था उसमें उस मत्स्य कन्या ने देखा, क्या देखा, देखेगा, सॉ अ वेरी यंग मैन, एक बहुत ही युवा लड़का देखा, यंग मैन देखा है, स्टैंडिंग, जो कि खड़ा हुआ था, इरेक्ट में सीधा, इरेक्ट में सोता सीधा सीधा खड़े होना, ऑन द डेक, उस शिप की जो रूफ होती है, छत होती है, वहां पर वो खड़ा हुआ था उसी जहाज में। द यंग मैन वाज रियली हैंडसम, वास्तव में ये जो यंग मैन जो था, युवा लड़का जो था, वास्तव में ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, बहुत ज्यादा सुंदर था, रियली हैंडसम, वास्तव में मतलब हैंडसम था। ही वाज लुकिंग, और वो देख रहा था, लुकिंग वो दिख रहा था, लाइक ए ग्राउन ऑफ प्रिंस, मतलब बिल्कुल जवान एक प्रिंस दिख रहा था, राजकुमार दिख रहा था। द ब्यूटीफुल मरमेड सेड, तो ये सुंदर सी इस मत्स्य कन्या ने कहा, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, मरमेड मीन्स इस मत्स्य कन्या ने सेड मीन्स कहा, आई एम सरप्राइज्ड, मैं जो हूँ सरप्राइज्ड हूँ, कैसी हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, हु ही इज, ये कौन हो सकता है, है ना, कि ये जो लड़का है ये कौन हो सकता है, तो इसने ऐसा विचार किया, सोचा। Suddenly, और अचानक ही, there came a huge wave, तभी एक huge miss होती है विशाल, wave miss होती है किरण, वो सॉरी wave miss लहर, बहुत विशाल एक लहर आती है, in the sea, कहाँ, समुद्र में एक बड़ी सी लहर उठ जाती है, the ship tossed up miss होता ऊपर उछल जाना, जैसे toss करते हैं ना, आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह में भी देखा होगा, टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, उसी तरीके से इसका ये जो सिप था, जहाज था, वो भी टॉसअप हो गया, एकदम ऊपर उठ गया, एंड डाउन, ऊपर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, डाउन नीचे की तरफ हुआ, मैनी टाइम्स, कई एक बार अप एंड डाउन हुआ, ऑन द सी, कहाँ, समुद्र के ऊपर,
तो कहीं ना कहीं बार बार इधर उधर उछला। द यंग मैन लॉस्ट हिज बैलेंस, तो युवा जो लड़का जो था, यंग मैन जो था, लॉस्ट उसने खो दिया हिज बैलेंस, अपना संतुलन। बैलेंस भी होता है संतुलन, तो उसने अपना संतुलन, जो इस पर बैठा हुआ था, उसने अपना संतुलन खो दिया। ऑन द डेक, उस डेक पर, उस शिप की छत पर, एंड फेल डाउन इन टू द सी, और कहाँ गिर गया, फेल डाउन, ठीक है, तो वो गिर गया इन टू मीन्स के अंदर, द सी, जब भी इन टू कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हुए जाती है तो इन का यूज, इन टू का यूज करते हैं, इन, जबकि किसी में ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर है और वो भी स्टेबल कंडीशन में है, तब हम ऐसी कंडीशन में जो है इनका यूज़ करते हैं, जबकि मूवमेंट आउटर टू इन होता है, जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता तो इन टू का प्रयोग करते हैं। ओ माई गॉड, तो देखेगा जैसे उस लड़की ने देखा तो बोली कि ओ माई गॉड, ये क्या हुआ, हे भगवान, आई मिस, मुझको, शुड मिस, चाहिए, सेव, बचाना, हिम मिस, उस लड़के को, मुझे उस लड़के को बचाना चाहिए। क्राइड द स्मॉल मरमेड, जो स्मॉल मिस छोटी सी मरमेड थी, मत्स्य कन्या जो थी, है ना, तो उसने सोचा कि मुझे इस लड़के को अवश्य ही बचाना चाहिए। सी रस्ड, रस्ड मिस दौड़ करके जाना, फास्ट मिस तेजी से, वो तेजी से दौड़ करके गई, टुवर्ड्स मिस की ओर, तो की तरफ गई, द यंग मैन, उस लड़के की तरफ दौड़ती हुई गई, क्योंकि मरमेड होती हैं ये तो मछली की ही जैसी ही तेजी से पहुँचती है ना, इन ए बिड टू सेव हिम, है ना, इन ए बिड टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए बहुत तेजी से वो आगे बढ़ती है उस लड़के की तरफ। सी पुल्ड हिम टू द सी शोर, सी मिस उसने पुल्ड, पुल मिस होता है किसी को खींचना, पुल करना, ठीक है, पुल्ड, तो उसने उसको खींच करके लेकर के आई, हिम मिस उस लड़के को, टू द सी शोर, कहाँ देखेगा, समुद्र के किनारे पर वो ले आती है उस लड़के को बचा करके। When she saw the young man, when means जब सी मिस उस लड़की ने, saw मिस देखा, जब उसने देखा उस लड़की ने उस यंग मैन को, from a close distance, मतलब पास से ही जब उसने उस लड़के को देखा, she fell into deep love with him, तो देखेगा सी मिस वह जो थी, ये मरमेड जो थी, fell miss गिर जाती है into deep love, बहुत ज़्यादा गहरा लव करने लगती है, प्रेम करने लगती है विद हिम, इस लड़के से। He was so handsome, क्योंकि ये जो लड़का जो था, बॉय जो था, was so handsome and so gentle, बहुत ही सज्जन था और बहुत ही ज़्यादा handsome भी था। She convinced herself, she means उसने convince means होता है अपने आप को समझाना, herself अपने आप को। She thought deeply, she means उसने thought means विचार किया, सोचा, deeply means बहुत गहराई से उसने विचार किया, सोचा, what would happen, क्या होगा, वॉट मीन्स क्या, वुड हैपन, घटित क्या होगा, वेन ही वुड सी माई टेल, लेकिन जब ये मेरी पूंछ देखेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसकी पूंछ भी ये देखेगा, ये जो लगी हुई है, ओ माई गॉड, ये तो, हे भगवान, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नो, दिस मस्ट नॉट हैपन, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। द स्मॉल एंड ब्यूटिफुल मरमेड थॉट अगेन, उसने फिर दोबारा थॉट किया, विचार किया, सोचा कि क्या किया जा सकता है इस पूंछ को हटाने के लिए। I wish I would have two legs in place of a tail. तो उसने सोचा, I miss मुझको wish, मैं ऐसी इच्छा मांगूंगी या फिर wish करूंगी, I would have two legs, मेरे दो legs होने चाहिए, पैर होने चाहिए, in place of a tail, इस पूंछ के स्थान पर, in place means की जगह पर, के स्थान पर क्या होनी चाहिए, एक tail होनी चाहिए, है ना, वो sorry legs होने चाहिए, पैर होने चाहिए, जिससे आराम से जो है हम लोगों के मिलन जो है, शादी वगैरह हो सके। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, सी थॉट ऑफ द ग्रिमाल्डा, तो देखिएगा सी मिस उसने थॉट मिस विचार किया उस ग्रिमाल्डा के बारे में। देखिएगा एक लेडी है ग्रिमाल्डा, द सी विच, ये सी में रहती है, जादूगरनी है, तो उसके बारे में उसने सोचा। सी डिसाइडेड टू मीट, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू मीट मिस मिलने का ग्रिमाल्डा से, एंड अप्रोच्ड हर, और वो उसकी तरफ निकल जाती है उससे मिलने के लिए। द स्मॉल मरमेड, उस छोटी सी जो मरमेड जो थी, वो सेड मिस कहा, ग्रिमाल्डा प्लीज कन्वर्ट माई टेल, प्लीज मिस कृपया करके कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट मिस होता है बदलना, माई टेल मेरी जो पूंछ है उसको बदल दो, इन टू टू ब्यूटिफुल लेग्स, और इस पूंछ की जगह पर क्या लगा दो,
दो सुंदर सुंदर लेग्स लगा दो, पैर लगा दो। ग्रिमाल्डा द सी विच, जो जादूगरनी थी ग्रिमाल्डा जो थी, पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए विचार किया, सोचा कुछ समय के लिए एंड साइड और कहा, इन रिटर्न तुम्हें बदले में यू विल हैव टू गिव मी योर स्वीट वॉइस, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके बदले में, मुझे जो है तुम्हें देना पड़ेगा योर स्वीट वॉइस, अपनी जो मधुर सी आवाज है वो तुम्हें वापस देनी पड़ेगी। द स्मॉल मरमेड एग्रीड इमीडिएटली, जो स्मॉल छोटी सी मरमेड जो थी, मत्स्य कन्या जो थी, वो एग्रीड हो जाती है, सहमत हो जाती है इमीडिएटली, मीन्स तत्काल तुरंत। द विच गेव हर अ टेस्टी मैजिकल ब्लू, तो देख ब्लू विच वुड कन्वर्ट हर टेल इंटू टू लेग्स, तो उस विच ने जो है गेव मीन्स दिया हर अ टेस्टी मैजिकल ब्लू, उसने जो मेडिकल ब्लू जो था, ब्री होता है पेय पदार्थ होता है जिसको पीने से कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता है, विच वुड कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट कर सकता था, उसको बदल सकता था हर टेल, उसकी पूंछ को, इनटू टू लेग्स, दो पैरों में, एंड वुड टेक हर टू द सीशोर, और वो उसको तुरंत कहाँ ले जा सकता था, समुद्र के किनारे। एंड अनदर मैजिकल ब्रू वुड टेक हर बैक इनटू सी, और दूसरा अगर उसको दोबारा पियोगे तो निश्चित ही वो वापस जिस कंडीशन में होगी उसी कंडीशन में आ जाएगी, ये इसमें खासियत थी। एंड गिव हर अ टेल, उसने उसको इन प्लेस ऑफ लेग्स, तो उसकी उसको टेल दे दी थी, गिव हर अ टेल इन प्लेस ऑफ लेग्स, उस लेग्स की जगह पर। अब देखिएगा आगे क्या होता है इस पूरी स्टोरी में, वो भी देखते हैं। द स्मॉल मरमेड ड्रिंक द मैजिकल ब्रू, उसने उस ब्रू को पी लिया, पेय पदार्थ को उसको पी लिया, एंड फाउंड हरसेल्फ ऑन द सीशोर, और तुरंत अपने आप को पाया कहाँ पर, समुद्र के किनारे। बिफोर अ यंग मैन, उस युवा लड़के के सामने, द यंग मैन स्टार्टेड टू वेक अप, जैसे वो लड़का जगने लगा, उठने लगा, ही आस्क, उसने पूछा, हु आर यू डियर, डियर तुम कौन हो प्रिय, मुझे बताओ। द स्मॉल मरमेड कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पा रही थी, बिकॉज सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर वॉइस, क्योंकि अब उसके पास में उसकी अपनी आवाज़ सुंदर नहीं थी, इसलिए क्योंकि उसकी आवाज़ तो ले ही ली गई थी पूंछ की जगह पर, तो इसलिए अब उसके पास में आवाज़ नहीं थी बताने के लिए। सी मेड द हैंडसम यंग मैन अंडरस्टैंड बाई हर गेस्चर, तो गेस्चर मीन्स होते इशारा करना, तो इशारों इशारों में उसने पूरा समझाया, That she had saved his life, कि उसने उसके जीवन को बचाया। The young man was a real prince, वो वास्तविक एक राजकुमार था। He took her to his huge palace, वो अपने बड़े से महल में ले गया। There he introduced her to a lovely princess, बहुत सारी राजकुमारियाँ थी, उनसे उसने परिचय कराया। With whom, जिससे कि he was to marry the next day, अगले ही दिन उसकी शादी होनी थी। द स्मॉल मरमेड बिकेम वेरी सैड, जब उसको पता लगा कि इसकी तो शादी होने वाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। सी ड्रैंक द सेकेंड मैजिकल ब्रू, उसके बाद में दूसरा, जैसे ही उसने उस सिप को लिया, उसको पिया उसी मैजिकल पेय को, एंड केम बैक टू द सी, और तुरंत ही वो कहाँ आ गई, समुद्र के किनारे आ जाती है। कुछ वोकैबुलरी में देखिएगा किंगडम क्या होता है। अ कंट्री रूल्ड बाई अ किंग और अ क्वीन, एक ऐसा देश जहाँ पर किसी राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है, उसको साम्राज्य कहते हैं, राज्य कहते हैं, किंगडम है ना। विश क्या होती है, स्ट्रांग डिजायर, किसी की विशेष इच्छा होती है, टू हैव और डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की। रॉयल क्या होता है, बिलोंगिंग टू अ किंग और क्वीन ऑफ अ कंट्री, किसी देश के राजा या रानी से बिलोंग कोई चीज़ होती है उसको। डेक होती है द टॉप आउटर फ्लोर ऑफ अ बोट और जहाज का बाहरी हिस्सा होता है। विच क्या होती है, अगली वुमन विद मैजिकल पावर, कोई एक अगली वुमन होती है जिसके पास में कोई जादुई शक्तियां होती हैं उसको बोलते हैं, है ना। ब्रू, और ब्रू की अगर बात करें, ब्रू मीन्स होता है अ काइंड ऑफ ड्रिंक, एक प्रकार का पेय होता है पदार्थ, जिसको पीने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। गेस्चर क्या होता है, टू कम्युनिकेट विद योर फेस और हैंड मूवमेंट, केवल इशारों से ही अपनी बात को समझाना। तो ये तो था आज का वीडियो, आई होप दैट यू एंजॉयड इट, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।